हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यम्मी फूड किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक नई तरीके की कचौड़ी। कचौड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, सत्तू की कचौड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी, खीरे की कचौड़ी, पनीर की कचौड़ी, लेकिन आज मैं बनाऊंगी कच्चे आम की कचौड़ी। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। खट्टी मीठी तीखे चटपटी कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। सामग्री इस प्रकार है। कचौड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा, 2 मीडियम साइज के कच्चे आम, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, पीसी हुई चीनी 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच हल्दी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज, अजवाइन, जीरा तड़के के लिए 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, तलने के लिए तेल, बाइंडिंग के लिए 2 छोटे चम्मच सत्तू। कच्चे आम की कचौड़ी बनाने के लिए आम को अच्छी तरह धो लीजिए और इसके छिलके उतार दीजिए। आलू छीलते हैं, उसी छिलने से उतर जाएगा। आम के छिलके उतार लिया मैंने और साफ पानी से वॉश कर दिया इसको। अब मैं इसका कद्दूकस करूँगी। कच्चे आम को कद्दूकस कर लिया मैंने और बाउल में निकाल दिया। ये रहे उसके बीज, इसको हमें फेंक देने हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी और 1 छोटा चम्मच नमक, और चीनी को मैंने ऐड कर दिया है और इस ऐसे मिक्स कर दीजिए आप, और 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए इसका पानी निकलने के लिए। अब मैं कचौरी के लिए मैदे लगा ले रही हूँ। मैदे में 1 छोटा चम्मच नमक और 1 पिंच अजवाइन ऐड कर दीजिए, 3 बड़े चम्मच तेल मोइन के लिए, इसे अच्छी तरीके से ऐसे मिला लीजिए। मिक्स हो गया, देखिए कचौरी के आटे ऐसे मुट्ठी बंद होने चाहिए। अब मैं इसे धीरे धीरे पानी डालकर इसका डो तैयार कर लूँगी। देखिए ऐसे आप इसका डो तैयार कर लीजिए, हल्का हल्का पानी डालकर, ज़्यादा सख्त ना हो ना ज़्यादा मुलायम हो, अच्छा डो तैयार हो गया। आप कच्चे आम की कचौड़ी एक बार ज़रूर बनाएं मेरे तरीके से, बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैंने कचौड़ी के लिए डो तैयार कर लिया, ऊपर से थोड़ा सा तेल ग्रीस कर दें और इसे ढककर 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ दें। जब तक हमारे मैदे का डो सेट हो रहा है तब तक हम मिक्सचर तैयार कर ले रहे हैं। उसके लिए आप फ्राई पैन गैस पर रखिए और पैन गर्म हो जाए तो 2 चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल के गरम होने के बाद जीरा और राई डाल दीजिए। जीरे और राई जल गई तो हरी मिर्च और लहसुन 30 सेकंड तक इसको फ्राई कर लीजिए। उसके बाद कटी हुई प्याज ऐड कर दीजिए और इसे भी 30 सेकंड तक भून लीजिए। 30 सेकंड तक प्याज भून गया, देखिए प्याज चलो फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड करेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, उसके बाद गरम मसाला। सभी मसालों को 30 सेकंड तक अच्छे से भून लेंगे। मसाले भून चुके हैं, मैं गैस को लो फ्लेम पे कर दी हूँ। उसके बाद ये आम, कच्चे आम जो मैंने कद्दूकस करके रखा था उसमें देखिए पानी निकल आया है। मैं इसके पानी को अच्छे से दबा दबा कर आप निकाल लीजिए, ऐसे इसका पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि कचौरी बनाने में दिक्कत होने लगेगी। इसके पूरी पानी को आप निकाल कर दबा दबा कर ऐसे, मैंने आम की पूरी पानी दबा कर निकाल ली। अब इसे मैं फ्राई करूँगी। मसाले में आप ऐड कर दीजिए, जो मैंने मसाला रखा था उसमें आप ऐसे ऐड कर दीजिए। गैस लो पर ही रहने दें। देखिए आप ऐसे घुमा घुमा कर 1 मिनट तक इसको भून लीजिए। 1 मिनट तक आम के मिक्सचर को भून लिया, देखिए ऐसा हो गया। और उसके बाद नमक नहीं ऐड करना है क्योंकि मैंने नमक उसी समय डाल दिया था। और ये सत्तू है, लास्ट में गैस को बंद करके, और ये सब चने की सत्तू है, इसको इसमें अच्छे से ऐड कर दीजिए। देखिए मेरा आम का मिक्सचर तैयार हो गया। मैंने 2 चम्मच सत्तू ऐड किया, ये सूखा डो बन गया जो कचौरी के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं अब इसको प्लेट में निकाल लूँगी।
मिक्सचर को मैंने प्लेट में निकाल दिया, ठंडा हो जाएगा फिर कचौड़ी बनाएंगे। मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम गैस जलाकर कढ़ाई रख देंगे तलने के लिए। कढ़ाई गर्म हो जाएगा, इसमें तेल डालकर आप छोड़ दीजिए, 2 से 3 मिनट गर्म होने में लगता है। जब तक गर्म होगा तब तक हम लोग कचौड़ी बना लेंगे। कचौड़ी बनाने के लिए मैदा का छोटा गोली बनाइए आप। उसके बाद मैदे में डीप कर दीजिए, छोटा इसको बेल लीजिए ऐसे बेलन से। उसके बाद चम्मच से इसमें स्टफिंग रखेंगे, सेंटर में रख दीजिए। उसके बाद ऐसे इसको दबा दबा के बंद कर दीजिए। उसके बाद हाथ से ऐसे कर दीजिए। देखिए दूसरी बना रही हूँ, एक छोटी गोली बनाइए मैदे की और इसको आटे में डीप कर दीजिए, हल्का इसको पूरी के साइज का ऐसे आप बेल लीजिए। उसके बाद इसमें स्टफिंग रखिए सेंटर में, इसको उठाकर ऐसे बंद कर लीजिए और हाथ से ऐसे दबा दीजिए। ये बनके तैयार हो गई। मैंने एक एक करके पूरी कचौरी बना ली, अब मैं इसको तलूंगी। मैंने कढ़ाई गैस पर रख दिया था, तेल मेरा अच्छा गर्म हो गया है, हल्का मीडियम गर्म तेल हो उसमें कचौरी आप एक एक करके डाल दीजिए। कचौरी एक साइड हल्की ब्राउन हो जाए तो इसको आप पलट दीजिए ऐसे। उसके बाद ये देखिए अपने आप धीरे धीरे करके फूली फूली निकलेंगी। देखिए मैंने पलट पलट कर 2-3 से 4 मिनट में कचौड़ी अच्छे से तैयार हो जाती है। ये मेरी कचौड़ी गोल्डन ब्राउन हो गई, अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए ऐसा कलर हो जाए तो आप प्लेट में निकाल लीजिए। मेरी आम की खस्ता कचौरी बनके तैयार हो गई। देखिए मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ कितनी क्रंची है। देखिए आप इसे टोमेटो केचप के साथ या खट्टी मीठी इमली चटनी के साथ, चाय के साथ, आप जो पसंद हो आप उसके साथ सर्व करें। धन्यवाद।